जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस का स्टेज 2 चल रहा है, हमें कोरोना वायरस को स्टेज 2 पर ही रोके रखना है, स्टेज 3 तक नहीं जाने देना है। इसलिए हमने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया और हम बाहर नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमने एक चीज का ध्यान रखना है, वो है फोमाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे फोमाइट्स क्या है। फोमाइट्स एक ऐसी चीज है जिस पर वायरस छिपके हमारे घर में एंट्री कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क के पैकेट्स। मिल्क के पैकेट्स पर भी फोमाइट्स एक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक सोल्यूशन है, रनिंग वाटर के साथ डिटर्जेंट से मिल्क के पैकेट्स को वॉश कर इसे यूज करें। एक और प्रॉब्लम है, पता है क्या, कि हम सब जीनियस हैं। ये एक प्रॉब्लम है। जब मोदी जी कह रहे हैं, ट्रंप जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, तो कर लो ना, कुछ दिन दूर रह लो ना, इनकी बात सुन लो ना, क्योंकि इन्हें आता है। डॉक्टर फोकी, दुनिया के सबसे बड़े वायरस एक्सपर्ट, वो तक कह रहे हैं कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है तो भी घर में बैठो, खुद पर और दूसरे पर भरोसा करो ना, ट्रैवल मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, घर से काम करो ना, घर पर काम करो ना, घर के काम करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, डांस करो ना, स्केच करो ना, स्टडी करो ना, बट प्लीज कुछ भी करो ना, घर में ही रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना, प्लीज स्टॉप 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 करो ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है आप देख रहे हैं मन की आवाज़ आप सबके साथ। यहाँ पे तो स्टडी ऑनलाइन बंद होने की बात हो रही है और यहाँ हमारे टेस्ट स्टार्ट हो गए ऑनलाइन। जब हम स्कूल जाते थे तब इतनी जल्दी टेस्ट स्टार्ट नहीं होते थे, इसलिए तो हमारा स्कूल टॉप है। लिखा क्या है इस पे? और इस पे लिखा, और इस पे लिखा है 7th क्लास 5th अप्रैल ऑन स्टडी स्टार्ट। थैंक यू मम्मा जी प्लीज केयर बनाने के लिए, और थैंक यू मैम हमारी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, थैंक यू प्रिंसिपल मैम। अब मैं इसके हमारे भी कर दिया करो ऐसे हेड मसाज। बिल्ली से म्याऊ।
प्रेसिंग हो रही है, प्रेस दे दूं, प्रेसिंग मशीन दे दूं? पापा जी के लिए प्रेसिंग मशीन नहीं, प्रेस ही ठीक है, है ना? प्रेसिंग मशीन तो मेरे लिए है, नहीं तो तवा गरम करके करते हैं आपकी आदि बच्ची। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा स्केच और डांस देखा होगा, आज मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। ये जो कॉइन है ना, ये मैजिक कॉइन है, मैं इसे यहाँ से ग्रैब कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैं कॉइन गायब है, कहीं नहीं है। तो अभी तक आपने मैं इसके जोड़ा उसे होगा, आज मैं आपको दिखाना वाला हूँ मैजिक। ये मेरे हाथ में है ग्लास और इसके अंदर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ थ्री डिजिट्स, 1 2 3। आपके सामने थ्री डिजिट्स हैं, मैं आपको ग्लास में कम करा देता हूँ, 1 2 एंड 3। आपके सामने थ्री ग्लास हैं, अब मैं इन तीनों ग्लास को उल्टा कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। अब ये थ्री ग्लास उल्टे हो गए हैं, और मैं एक चीज इसके ऊपर रखता हूँ, मैं आपको ये ग्लास दिखा देता हूँ, तीन ग्लास के नीचे और ये तीन ग्लास में तीन ग्लास होंगे, इसमें कुछ है। अब मैं इसमें से नीचे वाले ग्लास में टैप कर दिखा सकता हूँ चित्र को, लीची अभी नीचे आ गई है चिट्ठी, एक चिट्ठी आ गई है, और मैं वापस से आपको यही वाला मैजिक करके दिखाता हूँ। अब मैं इन ग्लासों को वापस से अलग अलग कर देता हूँ, अब मैं वापस से ये एक चिट्ठी यहाँ रखता हूँ और एक चिट्ठी खाली ग्लास, और ये ऐसा नहीं कि इसमें होल है। मैं वापस से इस पर मैजिक करूँगा, ये टाप का नीचे आ जाएगी, लीली की लीली छू, अब ये नीचे आ गई है। अब मैं वापस से ग्लासों को उल्टा करता हूँ, 1 एंड 2। अब मैं एक चट रखता हूँ इसके ऊपर, और मैं ये वाला ग्लास रखता हूँ इसके ऊपर, और मैं आपको वापस से एक को नीचे टाप पर दिखाने वाला हूँ, और नीचे से एक सरप्राइज है जो डबल हो जाएंगे नीचे के, छू दो हो चुकी हैं ये चट। अब मैं वापस से इन चिटों को यहीं रखता हूँ, और मैं ये ग्लास उल्टा कर लेता हूँ, 1 2। अब मैं ये इस चिट को वापस से यहाँ रखता हूँ, और ये वाला ग्लास खाली है, ये होल नहीं है। अब मैं वापस से यहाँ रखता हूँ, और अब मैं ये एक चिट रखूँगा, और नीचे से 3 चिट लगेंगे, अब ये 3 चिट हो चुकी हैं टोटल, मैंने निकाल दी है 3 चिटें। अब मैं वापस से इन ग्लासों को उल्टा करता हूँ, 1 एंड 2। मैं 2 ग्लास लूँगा, 1 और इसके ऊपर 2। मैंने ये ग्लास ले लिया, अब इसमें से टाप पर नीचे आ जाएगी, गिली 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 वहाँ पर राउंड हो जाता है मैजिक में, गिली गिली थी नीचे अब भी नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा मैजिक गलत हो गया, गिली अब भी नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा वो मैजिक खराब हो गया। अब मैं सही मैजिक करके दिखाऊंगा, इसमें ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, अब इसके अंदर आ गई होगी क्योंकि इस बार मैंने सही बोला था, आ गई। फ्रेंड्स, आज का ये मैजिक था, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है? अकेला नहीं एकांत में हूँ, चुप नहीं गंभीर हूँ, ऐसे नहीं है कि मेरे रास्ते भटक रहे हैं, हाँ अंधेरा है पर तारे तो चमक रहे हैं, थोड़ा सा टूटा हूँ पर फिर भी जुटा हूँ, थोड़ा सा थका हूँ पर फिर भी जगा हूँ, मेरे चेहरे के भाव सादे हैं पर आंखों में फौलाद जैसे राधे हैं, इज्जत नहीं पर मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है,
हाथों की लकीरें भी जिद पे अड़ी हैं। ना ये समंदर की सुनामी बाज आती है, ना मैं नाव धोना छोड़ता हूँ। ना ये हवा चलने से रुकती है, ना मैं रुकता हूँ। ना ये धरती घूमने से थकती है, ना मैं थकता हूँ। लड़ाई बराबर की है पर मुझे फैसले से मतलब नहीं। जो मेरी किस्मत लिख दे वो मेरे सिवा और कोई नहीं। कोई अगर सोचे कि मैं अकेला हूँ वो ये जान ले कि ये मेरा एकांत है, अकेलापन नहीं। चलता हूँ तो गिर जाता हूँ, गिर जाता हूँ तो फिर उठ जाता हूँ। उठकर फिर चल देता हूँ, चलते चलते फिर गिर जाता हूँ। फिर उठता हूँ, चलता हूँ और वापस गिर जाता हूँ। आखिर जिंदगी यही तो है, फिर क्यों गिर के सिर जाता हूँ। मंजिल को हासिल करना ही जीवन का सहार नहीं है, क्योंकि कोशिश करके अंत में हार जाना भी कोई हार नहीं है। रास्ते में फूल तो नहीं लेकिन इमारत बनाने वाली धूल है। खुद को एकांत में करना मेरी भूल नहीं, मेरे कठिनाइयों का अंत करने वाला त्रिशूल है। कुछ लोगों को मेरी आंखों में आंसू दिखते हैं, जहां मेरे आंसू को इरादे बोले तो ज़्यादा ठीक है। मेरा ध्यान महलों पर नहीं मंजिलों पर है, कुछ खोया नहीं सबको पाया हूँ। अब ना रुकूंगा कसम खाया हूँ, जिंदगी में अंधेरा नहीं उस पर सवेरा है। बड़ी इबादत से मिले जो मकसद वो मेरा बसीरा है। क्रोध नहीं जोश है, जो ये समझे कि मैं कमजोर हूँ उसकी शोध में ही दोष है। चलो मान लिया कि अभी रात है पर सवेरा खोज रहा हूँ ना। जब अंधेरा जल जाएगा तो सूरज निकल आएगा, जब सूरज निकल आएगा तो मौसम बदल जाएगा, और जब मौसम बदल जाएगा तो लोग हाथ में कांटे नहीं फूल लेकर आएंगे। जीने के नए तरीके होंगे, नए बहाने होंगे, कोई साथ नहीं एकांत के रेले होंगे। अगर आपको भी लगता है कि अकेले हो तो उसको एकांत में बदलो। अकेलेपन में दुख है, हीन भावना है, लेकिन एकांत खुद की सोच का, खुद के लक्ष्यों का और खुद की काबिलियत का मंथन है। जो हो सकते आपको आपका वो रूप मिल जाए जो इस दुनिया में तहलका मचा दे।